नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बॉलीवुड की महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन व अनिल अंबानी टीना अंबानी इंदौर पहुंचे और उन्होंने इंदौर में बने अत्याधुनिक कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का लोकार्पण कर मुंबई की तर्ज पर इंदौर में भी लोगों को सौगात दी। इस दौरान सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, टीना अंबानी ने फीता काटकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान टीना अंबानी इंदौर की तारीफ करते हुए मंच पर भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि पति अनिल का सपोर्ट ना होता तो ये नहीं हो पाता। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मंच से अमिताभ बच्चन ने कहा कि इंदौर में भव्य अस्पताल खोला गया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर देश भर में सबसे स्वच्छ शहर 6 बार घोषित किया गया है और आज इस अत्याधुनिक कोकिला धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल अस्पताल के उद्घाटन के बाद शहर को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल की सौगात मिली है। अमिताभ बच्चन ने अपने संबोधन में इंदौर शहर की जमकर तारीफ की और कहा कि इंदौर स्वच्छता के बाद देश में सबसे स्वस्थ शहर भी बनेगा। इस दौरान मौजूद लोगों ने अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, अनिल अंबानी, टीना अंबानी का जोरदार स्वागत किया। वहीं अमिताभ बच्चन को मोमेंटो भेंट किया गया। बहुत ही आनंद आ रहा है और इतना भव्य एक अस्पताल यहाँ पर खोला गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसका उपयोग करेंगे। इंदौर शहर को घोषित किया है कि वह सबसे स्वच्छ शहर है भारतवर्ष। आज इस अस्पताल के उद्घाटन के बाद मैं कहना चाहता हूँ कि इंदौर जो है सबसे स्वस्थ शहर है भारत का। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।